खास करके जिनों का भी विवाह संस्कार हुए हैं वीकेंड में, उन सभी को हम लोग ही मुबारकबाद पेश करते हैं। जनता, हम आज शुरुआत करने जा रहा हूं एक मामला जो सूरीनाम में कुछ लोग ने लेकर के इसको दौड़ने लगा बगैर इसके बारे में ठीक से छानबीन किया हो। मैं न्यू सर्फ इन एनफी के बारे में बात करने जा रहा हूं। न्यू सर्फ इन एनफी, प्यारे जनता, ये एक ऐसा समस्या है, जैसे आप जानते हैं कि सूरीनाम में इन्फेस्टेरदस न रह गया है। इन्फेस्टेरदस की आकर के इस देश सूरीनाम में अपना रोजगार का शुरुआत करे और यहां की जनता को नौकरी मिले, यहां की इकोनॉमी सुधरे और यहां पर हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि यह अब ना रह गया है। एक आदमी जिन्हें टॉप फैंसी है, टॉप फैंसी यानी कि बाहर बदरेज में, बदरेज लीफ के बाद हम करते हैं, इनका एक टॉप फैंसी मैं बात करने जा रहा हूं, आज का जो मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियल प्लानिंग श्रीमान अरमांड अक्षय सिंह के बारे में। इनके बारे में कहा गया कि यह कहम जेनक कुछ करना चाह रहा था, यानी कि कहम जेनक न्यू सर्फ इन एनफे को बनाया इन्फेस्टेटर्स को सूरीनाम में लाने के लिए। लेकिन सूरीनाम के जनता, एक इंसान जिन्हें तब फैंसी था पर्टिकुलर सेक्टर में, एक ज्ञानी इंसान और एक इंसान जो बदरेव शरीफ में अपना नाम कमाया, बदरेव शरीफ में टॉप फैंसी से न पॉलिटिक पार्टी के जरिए लेकिन जनता के ख्वाहिश पर, जनता के गुजारिश पर ये मिनिस्टर फॉर फाइनेंशियल के कुर्सी जाकर के संभाला, क्योंकि इनसे कहा गया कि जब सब लूट करके झाड़ बहार करके सब चला गया है तो जनता एक टॉप फैंसी का इंसान बाहर जो एक टॉप फैंसी में अपना काम करता था, जिसका नाम है, जिसका इज्जत है, अरमांड अक्षय सिंह, उन्हें दिया गया यह दर्जा फाइनेंशियल का कि देश के समस्या को सुधारने के लिए। अब उन पर इंसान लगाते लोग ने जब यह काम शुरू किया, ये विचार किया अपना लाइन जो बाहर मुल्क में है वहां से लोगों को लाने के लिए, यहां पर आकर के इन्वेस्टर करने के लिए, जो लोग ने उनके इल्जाम लगाने लगा कहम जेनक ईसा बीसक वगैरह वगैरह, यानी गुप्ती रूप में श्री अरमांड अक्षय सिंह उस टिप का, उस जगह का इंसान नहीं है जो गुप्ती रूप में काम किया। जब क्या मिनिस्टर फॉर बेचलाल साकर द प्रेसिडेंट लोगों से बातचीत की, गवर्नर फंड सेंट्रल बैंक, ये कौन सा गुप्ती बात है, और ये जो बना है, ये जो एनफे बना है यानी न्यू सर्फ एनफे कावर फंड को फांडल में अभी रजिस्ट्रे होगा, ये कौन सा गुप्ती चीज भाई। मुझे उम्मीद है कि लोग इसके बारे में ठीक से समझ गए होंगे, और यह तो सही बात है कि कोवालिसी पार्टनर इस मिनिस्टर को रिस्पांस नहीं दिया जो उनको देना चाहिए था, क्योंकि अरमांड अक्षय सिंह एक टॉप फैंसी जो पार्टिकुलर सेक्टर में था उसको छोड़ करके और जनता के काम करने के लिए, जनता के मांग के लिए वो मिनिस्टर फॉर फाइनेंस की कुर्सी पर बैठा है, जनता को सेवा करने के लिए और ये देश के यानी इकोनॉमी सुधारने के लिए, जहां पर जनता उनको सहायता देना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए,
तो उन्हें कहते कि है इसका हमसे तकबीर से नहीं भाइयों, हम चाहते हैं कि कोलिसी एंड ओपोसीसी समझ जाए ये बात से कि जो रुविनेर हुआ है देश के अंदर में, जो लूटमार हुआ है, पैसा के समस्या के बारे में बात करते हैं, बैंक के कैसे कैसे पैसा लोगों ने लूटे हैं, आप तो कोर्ट कचहरी के बारे में जानते हैं, कोर्ट कचहरी हो रहा है के पैसा ने लूटा है, किस जगह से कहां से पैसा लूटा है। और आज एक आदमी, एक टॉप फिल्मसी जो बाहर एक कमीशन में था या एक बदरेफ में, उसको छोड़ करके और हम लोग के देश के जनता के कारोबार के लिए, देश के इकोनॉमी सुधारने के लिए आज एक मिनिस्टर कुर्सी पर बैठा, तो उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको उन पर इल्जाम मत लगाओ और उन पर शक मत करो। ये शक के बुनियाद से जो लोग उन्हें देख रहा है ये गलत बात है। इसी कारण से जो कोवालिसी है उन्हें और रिस्पॉन्स देना चाहिए था अरमान अछैबर सिंह। अब जो ये वहां पार्लियामेंट में गुफ्तगु होने को जा रहा है, लेकिन आप तो जानते हैं ये आदमी जिसका बारे में हम जिक्र करते हैं अरमान अछैबर सिंह, ये आदमी एक सच्चा, एक विश्वास और एक अच्छा घराना का इंसान है। और ये देश जनताओं की मांग पर आज वो कुर्सी बैठा है जिस कुर्सी का जाने है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड प्लानिंग। यही बात रहा बोलने के लिए। और जो जितनी कोर्ट आप कचहरी करेंगे आप खुद देखेंगे कि ये इंसान अरमान अछैबर सिंह, जिसके बारे में लोग गलत गलत बात करते हैं, में आप लोग गलत काम कर रहे हैं, आप लोग गलत विचार वाले हैं। आप अंडरस्टैंड कीजिए इस मिनिस्टर के, ताकि हम लोग को थोड़े साल के अंदर में हम लोग का देश का इकोनॉमी सुधर जाए। हम लोग को भी अच्छा से खाना पीना करना चाहते हैं, हम लोग भी इस देश में अच्छा से रहना चाहते हैं। जो आज हम लोग के देश में कि अपना खुद पैसा जो बैंक में आपको न मिलता है, क्योंकि लुटेरा लोग ने लूट लिया है, अलीबाबा और 40 चोर मिलकर के ये सब लूट लिया है भाई जी। और जिनको तलाश करना है वो तो लुकान है, जिनको पकड़वा करके बंद करना है उनके बारे में कोई जिक्र नहीं करता है। अभी अभी कुछ दिन पहले निकेरी का एक असेंबली, पुराना असेंबली रत ने कहा कि कुछ मशीन जो निकेरी में जिस तरह से एम्बुलेंस और कुछ मौत और मशीन वगैरह गया था निकेरी में, कुछ एक टॉपर पॉलिटिक पार्टी के टॉपर के घर में है, उसके बारे में कोई शिक्षोत विचार करता ही नहीं भाई जी न। तो आज हम लोग को तमाम चीज से दुख है और हमारे देश सूरीनाम के जनता, आप लोग के लिए सिर्फ यही सवाल है कि आप किसके पीछे खड़े हैं, जो सच्चा इंसान है या जो बेईमान इंसान है। ये आपके सामने ये सवाल, ये प्रस्ताव पेश कर दिए हैं, आप किसके पीछे चलेंगे, जो बेईमानी किया या जो सच्चाई रास्ता पर चल रहा है। प्यारे भाइयों, आज एक मुकदमा था, एक ट्रेनर रॉबिनहुड का ट्रेनर, जिस पर इल्जाम है कि एक बच्ची फुटबॉलर, एक लड़की फुटबॉल स्टार कहिए, उन्हें जो बलात्कार की है। यह मुकदमा कितनी सालों से कोर्ट में चल रहा है और रखते भी फैसला लिया नहीं। कुछ औरतें और मर्द प्रत्यक्ष साक्षी की है उसी कोर्ट के आमने सामने पर कि रेक्टर, वो ट्रेनर जो है रॉबिनहुड का, जिस पर इल्जाम है, ये मुकदमा क्यों, आप इसमें फैसला क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि कितनी मुकदमा है जो महिंदन महिंदन को ताल करके एस्टल एस्टल एस्टल, जिससे जनता थक जाते हैं कोर्ट कचहरी से। आज जो आक्षी था, यानी कि प्रोटेस्ट आक्षी, वोट लेकर के लोग ने चाहते कि 3 साल हो चुका है इस बच्ची का बलात्कार हुई और अभी तक सरकार या रेक्टर फैसला न ले पाया है, तो यह बात आज हुआ है। हम अपने जनताओं के लिए कुछ बात बताने जा रहा हूं, जो मिनिस्टर फान फॉल सुसोंग थे इसने कहा है। भैया जी, मनाउस फारियां कोविड नेखंती से होशियार रहना, मनाउस फारियां फान कोविड नेखंती, ये इंपोर्ट अगर होगा
COVID-19 वेरिएंट, जैसे कि हमारे सूरीनाम के जितने फ्रेंड्स है ब्राजील, गयाना या फ्रांस गुयाना, जहां मनाउस वेरिएंट पहुंच चुका है। यह हम लोग को होशियार होना चाहिए सूरीनाम के जनता। दारोम मुतवे फॉर कॉमन दैट पर्सोनन फन ओंस ब्यूर लंदन इल्लीगल द ग्रेंस ओवरस्टेकन, क्योंकि ये मनाउस जो है, मनाउस वेरिएंट, ये ब्राजीलिया से आया है, स्कैन फेल मालन एर्गर गफार लकर दूध लकर। अगर ये आ गया काकी तो हम लोग को छीन, हम लोग को चीर फाड़ डालेगा। और हम लोग को जिस तरह से आप जानते हैं कोविड देखन थी, अभी कुछ महीना पहले हम लोग ने देखी से मनाउस में द डोजन वैडन ऑफ स्टापल इन मासाखराफन, इन मासाखराफन। हम ब्राजील के बात करते हैं, क्या भूल गए हैं? आप हाथ जोड़ो, प्रार्थना करो प्रभु परमात्मा से कि फारियांत मनाउस हमारा देश में न पहुंचे, क्योंकि ये गया ना हो, फ्रांस को या ना ब्राजील में है और हम लोग का देश का घेरा हुआ है। हम लोग को बच करके रहना चाहिए कि अगर ये मनाउस फारियांत कोविड नहीं खतीन अगर देश सूरीनाम में पहुंच गया तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, एक मोटरगाड़ी से चढ़ के संझा को द खुद फरवाखते में उलझ गया। यह गाड़ी उल्टल भाई, क्योंकि ये शफेर जो है, इस गाड़ी उल्टल भैया बजर के कारण से गाड़ी वही छोड़ करके और भाग गया है, गाड़ी वही छोड़ करके भाग गया है। सिपाही उनकी तलाश कर रहा है। बेस होल्डर से अब अपना तारीफ का फरहोखी के मांग कर रहा है। भाजपा तकरीर लाइन बेस होल्डर्स और खानिसात सी पीएलओ जिन्हों को एक तारीफ अनपासिंग की गई थी 5 SRD, ये लोग 8 SRD का मांग कर रहा है। अब देखो कि मिनिस्टर इसके बारे में क्या फैसला ले रहा है। चलेंगे भाई जी, तो हम अब क्या आपको बताना चाहते हैं, हमारे सूरीनाम के हर एक जनता के लिए मालूम होना चाहिए कि ऐसे ऐसे कितनी खबर हम लोग के सामने आया है। अनमान दृक्त इन पर हमारी वो द केल फन से स्वंगर एक्स पार्टनर दी वेर क्राफ्टेस, ये बेहोश हो गई इस बिचारी। प्यारे जनता, ये आदमी ने जानबूझ करके इस औरत को उनकी कमरे में जाने के कहा। ऐसे द कामर एंड वेल दैट द फ्रॉ मेट हिम इन हिज बेड मुस्कान लेखन, लेकिन ये औरत जो पेट से है इस बात से सहमत न हो पा रही है, लेकिन फिर भी जाकर के उसी कमरे में, लेकिन फ्लोर पर जाकर के बैठ गई। इस आदमी ने कूद करके उनका गला दबाया, उनको उनका जान लेना चाहा। वह औरत वहीं पर बेहोश हो गई, लेकिन चिल्लाई भी। यह आदमी ने बाद में फिर से गटई को दबाई और उसके बाद में वहां से भाग गया। जब उनके मां ने बच्ची के मां को पता चला, हर मुदर नाम अनकै किए एंथ्रोफर डॉक्टर रूर लोस आन, बस तुरंत सिपाही को तार किया है। अब ये आगे सिपाही ऑन द सुक करेगा, वजह किया है कि एक आदमी ने अपने एक्स पार्टनर, क्योंकि एक्स पार्टनर द फ्रो इज स्वांगर फाइनल अंडरमान, और इस जबरदस्ती अब इस औरत का गटई दबा करके उनका हत्या करना चाहा। अब देखो सिपाही ये बात आगे ऑन द सुक करेगा। देखो हम लोग के पता है कि जब लॉकडाउन है, रात के समय है, जहां पर किसी को 7 बजे के बाद आना नहीं चाहिए। विदेश निराम 20 यार
Vrijdagavond, jef 7 bajé, lockdown ka shuruaat hua, to ye 5 de rijweg ki taraf gari chala karke, vanuit de richting van Ganesenspad, ye 5de weg ki taraf, yani rotonde ki taraf aa raha hai chala karke. Ek scherpe bocht ek jagah hai, aur ye gari ko sambhal nahi paya, aur ye gari ja karke kandal mein ulut gaya. ये वीरेश निराम गाड़ी में से छटक करके और पानी में चला गया. जब सब लोग को पता चला कि गाड़ी कंडाल में उलझ गया, ब्रांडवेर भी पहुंचा, सब पहुंचा सिपाही, तो ब्रांडवेर इस गाड़ी को अब खींच करके ऊपर ला रहा है, लेकिन कोई नहीं गाड़ी में. तो शक हुआ कि जरूर कोई होगा पानी के चहटा में, यानी कि क्रेट में या उस कंडाल में. और खोजत हुए वीरेश निराम इनका लाश मिला, जो 20 साल का उम्र का है. प्यारे जनता, ये अफसोस की बात है. हम लोग इस परिवार को शोक संवेदना प्रस्तुत करते हैं. अब रात भी रात करके जब लॉकडाउन है तो लोग को गाड़ी ले करके और इतना स्नेल है इससे ना चलाना चाहिए. भैया जी, ये जो वीकेंड शुरू है सोमवार से, और ये सोमवार से लेकर के शुक्रवार, अब रहेगा लॉकडाउन 9 बजे रात से, याद रखना 9 से लेकर के 5 बजे, और फिर से शुक्रवार से फिर हो जाएगा 7 बजे. इतना बात आपको याद रखना चाहिए. हमारे श्रीराम के जनता, मैंने आपको बता चुके हैं कि जो तुलिफो वैक में डाकुओं ने कुछ लोग को जबरदस्ती लूटे थे, उनमें से 3 लोग गिरफ्तार हो चुका है. 26 साल का आपी, 25 साल का ओपी और 22 साल का XR, इन 3 लोग को गिरफ्तारी हो चुका है, जो एक बजरंग स्लाइडर को लूटे हैं मिला करके लगभग 84,000 फिरन तख्त गर्जन और जितनी सामान था इनों के पास, वो सब खरूद यानी फिंगर रिंग, हाउस कैटिंग वगैरह, फखेल मेटल, ये सब सामान वो लोग लूट करके गए थे. अब ये 3 लोग गिरफ्तार हो गया है. बड़ी अफसोस की ये बात भाई जी, बहुत अफसोस की बात है. एक मोटर गाड़ी मस्ट फ्रॉम सेफ सिटी कैमरा फ्रॉम द पुलिस, ये योहान आदोलो पेंगलस्ट्रात खमीनास्वे के कोने पर जो है उसमें जाकर के धक्का मार दिया एक मोटर गाड़ी ने भैया. और आप तो जानते हैं ये मास्क में जब धक्का लगा है फ्रॉम द कैमरा, तो जरूर ये मोटर गाड़ी में नुकसानी हुआ होगा, और ऐसे बात है भी. तो कारण नहीं कि कैसे भैया धक्का मार दिया और ये गाड़ी टूट टाट गया है. अब आगे ऑन द सुख होने को जा रहा है. अब जनता के लिए संदेशा हम बोलने के लिए जा रहा हूं. प्यारे भाइयों, यहां पर एक अरेस्टेंट कालिक एस शनिचर के रात्रि को जब देखे कि सिपाही यहां वहां कोई कारोबार कर रहा है, तो कैसे तरह के शरण है से भाग गया है. फॉर द आफ्टर जेड फॉर हेड पुलिस ट्रेन द स्प्रेगन और री पुलिस प्लेन कूदल भैया जैसा लोमड़ी भागत 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 भाग गया है. ये भैया गिरफ्तार था, समझे ना. हे वॉज क्रेट इन ए ब्लो कॉर्ट ब्रुक ए खून ट्रॉय टून है वेख फ्लुख्त. और पुलिस की खबर मिला है ये डाका डालने की वजह से इस आदमी को गिरफ्तारी किया गया था. और कुछ लोग ने उनको देखा था प्लाटर ब्रुक के आसपास में, और वहां पर जब ये सिपाही पहुंचा है तो वहां से ये कहीं डक हो गया है जैसे भैया हुफजरात डक है. अब आगे चलेंगे.
बहुत गड़बड़ बात है। एलए इंजन ट्रेन तक यार अपना नेव को बड़ा पिटाई पीटिस भैया किबरीटी की स्ट्राप में ओकर छाती पर डांटे से काटी से और सर पर भी घायल की है, खुना गया सर। एम्बुलेंस के जरिए उन्हें स्पोर्ट एस हेल्प को पहुंचाई गई है। यंग मैन डेथ एंड स्लॉट नीव एक गेस्ट हाउस में क्रिमिनेवन डाका डल गेस्ट हाउस में पर रोज फैल कार्ड में ट्रेन तक दर्जन मंगा मंगा घड़िया लैपटॉप और लोग को सामान वहां से चोरी हुआ है एक गेस्ट हाउस यानी रूस फैल कार्ड से। रोटोन दे फन हो कर बुधवार को रोटोन दे वहां पर किसी ने आग लगाया। रोटोन दे के ऊपर में कुछ घास भूस रहा ना तो कोई जाकर के जानबूझ करके उसमें आग लगा दिया। अरे भैया धुआं उड़ता है जैसे कहीं लंका में आग लगा है। सिपाही दौड़ल लेकिन वही उतने घास भूस रहा तो भाई जी आप समझ गए लोग। ऐसे भी सेफी हास के पीछे एक बोट में बोट को लासर लाश करता था। लासर यानी कि बोट का कारोबार था, लाश कर रहे थे। बस वहां पर मछली का फिश नेटन था, चेस्टनट यानी नेट नेटन वगैरह फिश नेटन, बस उसमें भी आग लगा। बाकी लोग दौड़ करके उन्हें बुझा दिया। पुलिस एजेंट प्रेमचरण इनका लाश मिला। प्रेमचरण रविकंद प्रेमचरण द्रियंत यार 13 मई 2018 इस पुलिस मान का लाश मिला सुबह के वक्त में। हेट लेक वेट इन एन ऑटो गफोंडन फॉर द डोर फ्रॉम द टेक्निश स्कूल ऑन द पासी ब्लूमस्ट्राट। पासी ब्लूमस्ट्राट जहां टेक्निश स्कूल है वही के सामने इन्हीं की गाड़ी में इस सिपाही का लाश मिला 13 मई 2018। कुछ समय से सिपाही तलाश कर रहा था खूनी के। 2.5 यार ना हेट फोर फॉल अब 20 यार फरदख्त एल जेमी का गिरफ्तार किया गया है। 2.5 यार के बाद में अब एल जेमी का गिरफ्तारी हुआ है। प्यारे भाइयों अब ये जेमी कुछ न कुछ बयान दिया है इस खून के पीछे, इस मौत के पीछे, प्रेमचरण के मौत के पीछे इस आदमी का हाथ भी है। सिपाही ने लिसेयम जहां एलटीएस कॉम्प्लेक्स है वहां पर शुक्रवार को बंद किया था रास्ता रिकंस्ट्रक्शन के लिए क्योंकि जेमी एल को बताना चाहिए कि वो क्या देखा उन दिनों में 13 मई को, किसने मारी सर, किसने क्या किया, वो खून की कि किसने खून की। तो ये सब बात रिकंस्ट्रक्शन हो रहा था। काफी वहां पुलिस था, फिर ऑफिसर और एडवोकेट भी जेमी का और अनेक अनेक सिपाही वहां उपस्थित था इस समस्या को देखने के लिए कि कैसे जेमी एल ने या यही खून किया है या किसने खून किया। वो सिपाही रविकंद प्रेमचरण द्रियंत यार। देखो अनेक अनेक प्रकार की चीज हो गए काका देश में। हम लोग क्या करी भैया, एक नौजवान सिपाही 23 साल का सिपाही का खून हुआ 13 मई को और 2.5 साल के बाद अब जाकर के एक खूनी का शक की बुनियाद पर गिरफ्तार हुआ है। मार्लोन वे को कल कोर्ट में देख करके शर्म लगता था मौसी, इतना शर्म लग रहा था लेकिन करियो तो का करियो, शर्म लाज सब ऐज पर कॉक्ट हो गए सूरीनाम में, शर्म लाज ऐज पर कॉक्ट हो गए मौसी। मार्लोन वे 3 यार सेल स्ट्राफ फॉर हेज सेक्सुअल मिसब्रेकन फ्रांसेंस डॉक्टर अपने सगा बेटी को रेप किया। ये बाप ने बेशरम इंसान जिन्हें आप तो समझ गए कि यानी कि अब ये जिस तरह से मैंने कहा ये शर्म लाज
ईश्वर कोक्त हो चुका है, अब ये जैसे कि इंसान को कोई असर नहीं करता है, इसलिए रेक्टर ने 2 साल इनको सांतोबोमा भेज दिया है। एक लाश मिला भैया, एक औरत का लाश, फिर शस्त्र, कल इसका नाम मैंने जिक्र की थी, इनका लाश स्तूप में मिला है डॉक्टर सोफी रेडमोस्ट्रात एक दुकान के सामने, एक क्लेरन विंकल के सामने। यह औरत का लाश मिला है, लगभग फिनेसर से यार का है, और जहां तक पता है कि ये कोलंबिया के रहने वाली थी, उनका लाश मिला है। कल मैं इस औरत का नाम भी आप तक पहुंचाए थे। अब हम आगे चल करके भाई जी, एक आदमी गाड़ी लेकर के कहीं से अब जा रहा घर पर, वेलखदाख आके दुकान के सामने गाड़ी पहुंचा, गाड़ी लौंडरी ऑटो में तेल न है। ये लोग तार किया बहनोई को, ए बहनोईया तनी तेल लेता जारी कैन में। बहनोई भैया बड़ा ऑफिस पर तेल भर करके पहुंचा, लेकिन दुकान के सामने कुछ डाकू खड़े थे और इन पर नजर रखा था। बस जैसे ये लोग ने उनको उनको देखा, बस वो गालियां देने लगा। ये लोग भी कुछ कहा, बस आकर के इनों का पटमोरी छीन करके जिसमें 600 एसर दे पैसा और रेलवेज क्विटांसिस वगैरह टर्सिल एंड आउटो डॉक्यूमेंटन सब छीन करके डाकू ने भाग गया है। अब आप खुद देखिए काका, जब तुम्हारे पास गाड़ी है, तुम्हारे पास 600 नगद पैसा और तुम्हारे गाड़ी में तेल न है, तो देखो वो भी पैसों चला गए, हाथों से गए और सब चीज वन से गए। न कहा कि अब बतिया तू तो जानत है, तू आप खुद बोल सकते हैं कि जो मुझे बोलना था। भैया जी, जनता रे जनता, हमारे सूरीनाम के तमाम जनता, विज्ञापन के बारे में पार्लियामेंटारियन स्टेफन मत्साले, ये पार्लियामेंट में कुछ सवाल उठाया, ये कुछ रेस्टोरेंट रीजन विज्ञापन को गया था, वहां पर कलक्ट था कि पानी न होने के सबब से मछली मरने लगा है, अनेक अनेक का नुकसानी हुआ होने लगा है। भैया जी, ये विज्ञापन के नाम इतनी सालों से हम सुन रहे हैं, आज तक पता नहीं है। अभी कुछ दिन पहले मैं अपने बीवी और इम्तियाज के साथ हमारा भाई के मैयत में गए थे निकेवी में, अशरफ अली पीर खान, जिनका वफात हुआ आप तो जानते हैं, एक अच्छा फुटबॉलर, एक अच्छा इंसान हमारा भाई, उनका मौत हुआ निकेवी में, उनके मैयत में मैं था निकेवी में। तो रास्ता में मैंने रोक करके पूछे सबसे, भैया ये विज्ञापन है कहाँ? तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि ये विज्ञापन कहाँ है। जही सुनो विज्ञापन विज्ञापन विज्ञापन, तो एक जरूर जरूर आएगा जब जनता हमें ठीक रूप में बताएगा कि विज्ञापन कहां से है, ये कोरोनी के रास्ता से जा है कि कहां के रास्ता के निकले विज्ञापन विज्ञापन लगा रहे, तो वहां पर टूरिस्टन जाता है और टूरिस्टन भी पैसा लाते देश के अंदर में ना, तो इसी कारण से ये टूरिस्टन के लिए विज्ञापन को मरम्मत करना चाहिए। मैंने आपसे कहा था कि स्टेक्टिंग गेट टूगेदर निकेरी से आया है, स्टेक्टिंग गेट टूगेदर निकेरी से 102 कुकस पालमन ये सब ला करके, और जो जो शर्मका में जहां क्रेमासी ओट है रीवा के किनारे, वो रास्ता में ये लोग आकर के लगाए हैं। मुझसे सवाल कई मरतबा किए थे कि कुछ करना चाहते हैं, तो ये आकर के के रास्ता पर भैया गौतम द्वारका जो फोर सेटर है अपने बस्तियों के साथ, रवीन्द्र रघुनंदन ऑनर फोर सेटर, बुलई रामकरण सेक्रेटारिस, नवीन सीताराम कमिसारिस, मुन्ना जगमोहन सिंह, ये सब आकर के और नरियर का पेड़ 102 लगा करके गया है। और खास करके भी जहां तक हमें पता है वहां एक पीपल, 2 पीपल का पेड़ भी, पीपल का पेड़ तो जाने मौसी जिससे लोग दवा बनाता है, तो ये लोग रास्ता यानी कि रीवा किनारा लगाए हैं। और आने वाले बुधवार को हम अपने कंतूर में रहेंगे वहाँ एक केक पर, और
मैं सब वहां पर जाकर के ये समस्या को खुद देखेंगे। और हमारा अंडर फोर्स सेटर रावण ज्वाला प्रसाद था वो उनके लोगों के साथ जो ये सब वहां लगाए हैं, तो मैंने इन सबको धन्यवाद दे चुका हूं। और वैसे गौतम तो हमारा बस्ती का आदमी भी है, निकेरी सेक्सी निकेरी हिंदुस्तान से मिखरासी का देखभाल वही कर रहा है, भाई रमेश मलाही जो कुछ दिनों से कुछ बीमार भी है, और उसके बारे में आप सुनते रहना। तो भाई ये स्टेक्टिंग गेट टूगेदर प्लान कोकस पालमन बेकर मास एड के बहुत बहुत शुक्रिया भाई लोग और धन्यवाद है आप लोगों को। ए भैया जे देश के तमाम जनता प्यारे प्यारे लोग, मैं क्या देख रहा हूं ये समस्या जो लोग एक्वेट नीट हु हैट मोगलक इस दैट एन अखंड जोनर रेबिवेस एन दिस फोर्टेक कान बस्तीरिंग। अब आप समझिए रेबिवेस सिपाही वहां पर सिपाही रेबिवेस लोगों को देता है, सिपाही कंट्रोल करता है, सिपाही फरलैंग करता है, सिपाही जिम्मा रेबिवेस का। एक सिपाही गाड़ी चलाता दिस फोर्ट बेगर रेबिवेस का काफी एस वोट फोर स्टर डेट मान एक वेट नीट हु हैट मोगलक इस दैट एन अखेंट जोनर रेबिवेस एन दिस फोर्ट कान बस्तीरन। दिस अब रशाल डेट मान को क्या करना चाहिए न? यहां लिखा है The this auto rocked the door, the club fun and aanrijding total los. Het gaat om een nieuwe wagen met de waarde van 45.000 Amerikaanse dollar. Ab ke paiswa bhari. Ekre baare mein to koi kuch bolte raha. Ekre baare mein koi ke koi awaaz na uth raha hai. Wie gaat betalen? 45,000. और ये गाड़ी चलाया है एक सिपाही बगैर रेबिवेस के, सौंदर रेबिवेस। प्यारे प्यारे जनता, द बत्रोकनन द बत्रोकन अखेंट इस इन मिडल्स आंखोहोडन, समझेगा? इन सब पुलिसमान लोग को जो लोग के पास रेबिवेस न है मुत नित आखते दिस्तूर खान से तन वही तो फौत होता है। जब तेरे पास रेबिवेस न है आपका सुपीरियर ने अब्दरक देते हैं मैंने ब्रांडेदार द मुती अब द फिट्स खान नित अब द इन द ऑटो फिट्स ऑफ लो पंच तुम्हारा मेजर तुम्हें अब्दरक देता है द मुती सेल्फ लो पंच आर्मी मन जाओ गाड़ी लेकर के कि हां मैं मेज रही मैं औखदरा इस ऑनसेन पुलिसी मिनिस्टर कैनट अमोक्षी मुझ बस लाइट ही नहीं में भाई ये कैनिट दिस ऑन बोखलक। अब जनता माकू आंखो होजन फॉर अपलिफ्टिंग एंड फॉर डस्टरिंग माकू 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 ने ये लोगों से क्या कहता था माकू 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 ने लोगों से कहता था सुनिए काट कह कहते सेफ ने फैसे किया रखा का से आलियास माकू ये एक अपार्टमेंट जहां प्रिंस स्ट्रात वहां गिरफ्तार हुआ है वेहस ऑपलेक्टिंग फॉर डेस्टरिंग लोगों से कहा कि उनके पास मेबल मार्कर है मेबल मार्कर है ये मेबल प्लाटन जरी सस्ता में भेज देता है लोग ने फोर्स को दिया माकू डॉक डॉक भैया जैसे गिलमोर। प्यारे जनता ऐसे करके ये बोला कि अगर आप लोग कर्जा एक जमीन पर यानी हिपोटेक लेना चाहते ये कर सकता है लोग ने फोर्स को दिया माकू डॉक आल्स गिलमोर खूब डाला खूब ऐसा दी पैसा माकू ने लिया लोगों से और दुख हुआ भाई जी। अब माकू ने इन्हें सिपाही गिरफ्तार कर लिया है। अब जितना लोग के ठगे हैं
moeten contact maken met de politie. In Heemsen, je Audrey Christian, je activist, hè? Je janna chati hai, geïnformeerd hona chati hai, COVID-19 situatie ke baare mein. Ye bhaiya, kitni mahina se COVID-19 hum log karte ja rahe, duniya bhar bolta hai, abhi in Heemsen in logon ko pura informasi nahi hai. Samjhe na? To ab yahi sab aap log se kehte hai bhai ji, na? Ab dekhiye deenali je deiste log debi, ये चाहते हैं कि वैक्सीनेशन बूफ क्राइसिस एंड हेल्थ प्लान के मुताबिक यानी होना चाहिए, समझे जा? तो ये सब चीज विचार करते हैं, असेंबली रीजन भी अपना अपना विचार है, इन पर विचार के पर पास हम लोग कदर करना चाहिए. अब 25 तारीख आ रहा है, फ्रीडम 25 फरवरी को द नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी हमेशा जहां वाटरकांत है, जहां पर मोन्यूमेंट है फंड रिफोल्यूची, वहां पर ये लोग प्रोग्राम करता है. अब से 25 तारीख को पता नहीं है कि वहां कुछ होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये नेशनल फीसदा अब नहीं है. श्रीनाम का रखेरिंग मिलने से बिलवासाक के ऑफिस पर श्रीनाम का रखेरिंग 5 फरवरी जो फ्रेडा हमेशा था इसको निकाल दिया गया है. आज फ्रेडा, अब से ये क्या होगा पता नहीं है, इनका प्रोग्राम कैसे है अभी पता नहीं है, लेकिन 25 तारीख को हमेशा मोन्यूमेंट फंड रिफोल्यूची जो प्रेसिडेंट बहुत से पुराना प्रेसिडेंट इनों के जरिए वहां भाषण हमेशा हुआ है और होता गया है ना. अब देखो अब से क्या हो रहा है. अब ऐसे करके भाई जी लैंडबाउ सेक्टर खेतिया लोग चाहते हैं कि खेत के पॉलिटिक बाहर रहे, जब तक पॉलिटिक ये खेती के लोग के साथ अपना आवाज उठाते रहेगा तो खेतियर आगे कभी ना बढ़ेगा. आज तक जो खेतियर जितने खेत धान वगैरह लगाते हैं वो लोग अपने ताकत से, निकरमान लोग अपने ताकत से, अपने विचार से, अपने पैसा से, अपने सब कुछ से वो लोग ने आज धान के यानी कि कारोबार जिंदा रखा है. रखेले तो बाद में आता है, रखेले बाद में आते, वहां के लोग खुद अपने विचार से खेती कारोबार कर रहा है, क्योंकि वो लोग को बाल बच्चे हैं, वो लोग को भी खर्चा, वो लोग को जिंदगी चलाना. तो निखिल मान लोग अपने विचार से, अपनी विचारों से वो खेती के कारोबार आज इतना ऊंचाई पर रखे हैं. और सरकार तो भी बाद में आता है पानी के देने के लिए वगैरह वगैरह, लेकिन जब पानी पहले खुद वो लोग को मिलता था नानी क्रेक से और कितने क्रेक से, तो वो लोग को सरकार की भी जरूरत नहीं था. लेकिन अब ज्यादा कंडाल है, ज्यादा खेती होता है और ज्यादा लोग ने पानी ले लेता है, इसलिए सब खेतियों को पानी की जरूरी है और सरकार को पानी देना चाहिए. और इतने बस, लेकिन पॉलिटिक खेती के अंदर में पहुंचना नहीं चाहिए, वरना सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा. प्यारे जनता, सिपाही ने कुछ लोग को बुला रहा है, सिपाही ने कंट्रोल करते हुए अनुसुख करते हुए ट्वे म्यूजिक बॉक्सन ट्वे खितारन वहां बसलाख में लिया है, ट्वे म्यूजिक बॉक्सन एंड ट्वे खितारन. ये जहां पर ये मिला है वो बताना नहीं चाहते कहां से चोरी करके लाया है. आप फेयर टैक्सेशन तक फेयर कैपिटल डिलेक्शन पुलिसी से कांटेक्ट कीजिए, फेयर तक सेशन तक फेफ एंड फेयर तक. अब जैसे आप लोग जानते हैं परमाणु जो वहां पर परमाणु जो का
स्वयं बात का उद्घाटन हो गया है। शो में जो अभी तक परमायु जो दीर्घन लोग कहते हैं ना, वहां का स्वयंवाद का उद्घाटन यानी फिर से बजुकश के लिए यानी स्वयंवाद खुल गया है। लड़कन अब जाकर के वहां नहाने धोने लगा है, तो ये बहुत अच्छा बात हुआ। जैसे हर एक लोग अपने बच्चों के साथ जब कहीं दूर जाते तो ज्यादा से ज्यादा जो में जाया करता था। तो जनता ये सब बात कह करके मैं जो हमारा एम्बेसडर जो नीदरलैंड में बनु हुआ है, नीदरलैंड में भाई जी आप तो जाने कि सूरीनाम का एम्बेसडर भैया खारगी को वहां बनुम किया गया है। भैया खारगी राजेंद्र जो वहां अपना काम शुरू कर दिया है, यह खुशी की बात है कि डायस्पोरा परिवार लोग जो कितनी सालों से वो लोग ने अपना मुल्क को वापस आना चाहते हैं, वहां के लोग जिन्हें एड के लिए मिलता है, पेंशन मिलता है और वहां पर वो रह करके या वहां से जा करके दूसरे देश में अपना जिंदगी बसर कर सके, लेकिन सूरीनाम में आने के लिए बहुत से लोग ने ख्वाहिश की है, मांग की है, जिन्हों का कुछ कारोबार वहां अटका अभी तक। आशा है कि हम लोग के नया एम्बेसडर उन तमाम चीजों पर ध्यान रखेंगे जो हमारे जनता जो सूरीनाम में वापस आना चाहते हैं। वो लोग तो थक गए भैया इंतजार करते करते, वो लोग वहां रहना नहीं चाहते हैं। हम आशा रखते हैं कि हमारा एम्बेसडर भैया खारगे उन लोगों के बारे में विचार करेगा और उन लोगों को सूरीनाम में आने के लिए कोई ऐसा तरक्की सोचे ताकि वो लोग आकर के बाकी जिंदगी अपना देश में जहां जन्म पाए हैं वहां पर आकर के जिंदगी बसर करें। न एक इंसान, हजारों लोग वापस आना चाहते हैं। सरकार को चाहिए हमारे पार्लियामेंट में, सूरीनाम के पार्लियामेंट में पार्लियामेंट लेजन को चाहिए कुछ फैसला लेने के लिए कि डायस्पोरा परिवार जो सूरीनाम में वापस आना चाहते हैं और उन लोगों के कोई कागज पत्र ठीक ना हो पा रहा है या कानून उन्हें रुकावट करता है, तो क्या हमारा एम्बेसडर उस कानून को फिर सुपर नहीं कर सकता है? हम चाहते हैं कि उन गरीब इंसान जो अपना देश छोड़ छोड़ करके परदेश को चला गया, परदेश में कुछ कर न सका, सिर्फ काम करके अपना पेंशन और अपना जो एड केयरिंग है वही सिर्फ उनको मिल रहा है, अगर वो वापस आना चाहे तो उनके लिए कोई कारोबार करना चाहिए, सरकार को उनको मदद देना चाहिए। हमारा देश का प्रेसिडेंट हॉलैंड का जो प्रीमियर है और वहां के पार्लियामेंट यहां के पार्लियामेंट बात करके कि जब सूरीनाम से लोग वापस आना चाहते उनको मौका दिया जाए, वो यहां आकर के बाकी जिंदगी अपने विषय परिवार से मिल करके फिर आगे बढ़ाना चाहते हैं। लांसत्रो कोमन उनके प्रोग्राम जो है और जो कुछ कारोबार बिगड़ा हुआ है, हमारा एम्बेसडर हमारा यहां के सरकार उन लोगों के कारोबार ठीक कर दे यानी कि फिर सुफल कर दे कि वो लोग वापस आए और यहां पर बाकी जिंदगी बसर करे। हम यही बात कह सकते थे। और जो कोविड 19 के मामला है वो तो आप सुन चुके हैं। हम लोग को इतनी होशियार से रहना चाहिए, कोई ऐसा गलत काम मत करना कि ये ब्राजील का फारियांस यहां पर आ जाए तो हम लोग कहीं का न रहेंगे। आज देखो इतना लोग का मौत हुआ है, कितना लोग देखो इंटेंसिव केयर में है, कितना सिक्के हेस में है।
हम लोग उन तमाम परिवार के लिए प्रार्थना करें, देश के लिए प्रार्थना करें, अपने सब लोग के लिए प्रार्थना करो, दुआ करो। और फिर से मैंने आज बोलना चाहूंगा कि खुदा और प्रभु यानी मंदिर और मस्जिद से बाहर भी है। आपको नमाज पढ़ना घरे, नमाज हो प्रार्थना करे घरे, ताकि आप अपने बाल बच्चों को सेवा कर सके और अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते रहो, दुआ करते रहो, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। नेदरलैंड डेनहाग और सूरीनाम से श्रीमती सुनीता मुरलीराम सुभाष सौख के साथ ये सूचना देती है। एतवार फरवरी के 14 तारीख 59 साल के उम्र में श्रीमती सुनीता मुरलीराम सुभाष के पति राजेश नंद, प्रिया और दामिनी के पिता श्रीमान कृष्णादत्त मोहन मुरली, श्रीमती कुंती जयकरण के बेटा, नेदरलैंड डेनहाग के रहने वाले श्रीमान ब्रह्मानंद मुरली की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा ब्रह्म के नाम से जानते थे। सूरीनाम में लारी को वैक्सारामाका के रहने वाले थे। अर्थी आने वाले सुख फरवरी के 19 तारीख नेदरलैंड में दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। कॉमवेन 780 किलोमीटर सरे 21 से श्रीमान आंद्रेयास रामदयाल सौख के साथ ये सूचना देते हैं। सुख फरवरी के 12 तारीख 67 साल के उम्र में श्रीमान आंद्रेयास रामदयाल के भाई श्रीमती रोसिता रामदयाल पातादीन के बरको चालरको के दादा, एक दमाद और दो पतों के ददवा ससुर, तीन लड़कों के आजा, एक लड़का के नाना, मेस्तर पे चांदी शव वैखन में 64 के रहने वाले श्रीमान अल्फोंसस छेदी रामदयाल की मृत्यु हुई है। इन्हें लोग ज्यादा भाइयों और लुलू के नाम से जानते थे। अपने जिंदगी में खपेंशनेर था डे एंड डे का। अर्थी आने वाले बीफे फरवरी के 18 तारीख देखने का मौका, अंतिम दर्शन का मौका रहेगा सुबह में 9 से 10 बजे तक वैखनाजी पर। सुबह 10 बजे वैखनाजी पर दाह क्रिया की जाएगी। तमाम परिवार हर एक को ये खबर दी जाती है। खुशियाँ जाहिर होते हैं मार्शल स्ट्राट 16 के रहने वाली बीबी साहिबा हेलोविसा पीर खान सोमेर के नाम पर। 80वीं सालग्रह मुबारक दिन तारीख आज मंगल फरवरी के 16 तारीख है। अहम दिन तारीख आज जिंदगी में आई है 80वीं सालग्रह को लेकर। 80वीं सालग्रह खुश नसीबों के जिंदगी में आते हैं। आज मुबारक मौके पर बच्चे नेदरलैंड और सूरीनाम से निशा, फारित और शरीन अपनी प्यारी माँ, औद्री और सरवन अपनी प्यारी सास, फरदीन, अंबरीन और मालिका अपनी प्यारी दादी, आदिल गफूर खान अपनी प्यारी नानी, रत्ना और संजना प्यारी दादी को आज बहुत से प्यार, खुशियाँ, मुबारकबादी जाहिर करते हैं। हम है तेरे प्यार की कलिया, हम है तेरे प्यार की कलिया, तू ममता की डाली, सालग्रह आपको मुबारक, हमको जन्म देने वाली। खुशियाँ, मुबारकबादी जाहिर होते हैं 80वीं सालग्रह के जिक्र किया जाता है। मार्शल स्ट्राट 16 के रहने वाली बीबी साहिबा हेलोविसा पीर खान सोमेर 80वीं सालग्रह आज मंगल फरवरी के 16 तारीख है। मुबारक दिन तारीख आज आई जिंदगी में हजारों खुशियाँ लेकर। 80वीं सालग्रह के मुबारक मौके पर खुशियाँ जाहिर होते हैं सभी मुलाजिमों जो है एरबीएन दखब्लात सूरीनाम और ग्रीन डॉट का। बीबी साहिबा हेलोविसा पीर खान सोमेर को आज बहुत से प्यार, खुशियाँ, मुबारकबादी जाहिर करते हैं। ये जिंदगी का गुलदस्ता, ये जिंदगी का गुलदस्ता, आपको हर पल लागे नया, यू ही खेलते रहे ये सदा, है हमारी बस यही दुआ।
Vandaag praten we met mevrouw Yogita Chanai. Heb ik hem goed uitgesproken? Ja, goed uitgesproken. Zij is kunstenaar en wat ze allemaal nog meer doet, horen we van haar zelf. Welkom in de studio. Goedendag mevrouw Siske, goedendag kijkers. Dankjewel voor mij hier te hebben. Ja, het heeft wel lang geduurd hè, voordat we elkaar hebben kunnen spreken. Ja, dus het heeft wel een poosje geduurd, maar het is voor het beste uitgekomen. Okay. Zo heb ik het opgevat. En ik hoop dat u het ook zo hebt opgevat. Ja, zeker. Wie is Yogita? Oké, Yogita is een package van heel veel. Ja, u heeft me eigenlijk leren kennen als kunstenares. Ja. Omdat ik dan een expo zou hebben vorige maand dat niet doorgegaan is. Vanwege de iets strengere regels van COVID. Maar dat komt allemaal wel goed. Ja. En het kwam zelfs beter, want ik bereik me voorop veel meer nu. Ja. Dus er is een kleine change in de planning gekomen. En die kleine change is een verrassing, dus vertel ik niet nu, maar de kijkers zullen het zelf na de hand van de advertenties en reclame die ik dan zal laten maken, plaatsen, dan zullen ze het wel zien wat die verrassing is. Ja, oké, dus u bent kunstenares en wat nog? Ik ben kunstenares, ik schrijf boeken, spiritueel zelfhelpboeken. Okay. En in het dagelijks leven ben ik een life coach. Oh, oké. U zal veel op internet en overal nog zien en lezen over life coaches. Ja, is tegenwoordig echt in? Wat ik eigenlijk doe, dan praat ik helemaal over mezelf, niet over de anderen. Ik heb eigenlijk, probeer ik een brug te brengen tussen die spirituele wereld en de materiële wereld. En materieel bedoel ik dan niet alleen materie, huis, auto en dat soort dingen, maar ook het materie van het fysieke eigenlijk. Dus ja, daar probeer ik het balans te brengen. Want vaak genoeg wat ik in de praktijk heb gezien bij mijzelf en ook cliënten is dat mensen dan, als ze zijn te spiritueel, als ze zijn te veel op het materiële gericht. En dat maakt dan dat dingen soms niet werken. Want de ene helft van onze hersenen, dat is gericht eigenlijk en gemaakt ook voor het spirituele. En de andere is gemaakt en gericht ook op het materiële. Beide helften moeten wij zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is eigenlijk ook onze doel waarvoor we hier zijn. Dan is dat niet speciaal met een religieuze tag dat ik eraan zou plaatsen. Maar gewoon als ziel en als ontwikkeling van de ziel en de mensenleven. We komen eigenlijk hier om het zoveel mogelijk van het goede te kunnen genieten en te kunnen leren. En het is niet alleen dat we dan moeten focussen op een bepaald punt hoe we terug moeten gaan naar de hemel of naar de bron. Dat is het niet. We komen hier om onze leven te kunnen ervaren in allerlei mooie dingen. En ja, mooie dingen, daar lijkt het misschien op een verhaal, een fantasie. Want men denkt toch van, oh, maar ik had zoveel problemen en zoveel dit en zoveel dat. We krijgen allemaal lessen die we moeten doen. Is net als hoe we, als je op school zit, dan krijg je een les. De ene is makkelijker, de andere is moeilijk. Over de ene maak je één keer repetitie, je slaagt. En, of je haalt het. Je maakt zoveel repetities, je gaat over naar een hogere klas of je slaagt. Bij die andere is het soms zo, dan zien we dat ook bij tentamens vooral. Je moet soms een herhaling ervan doen. En dat is omdat je iets ergens gemist hebt. Ja. Heus niet erg om zo een fout te maken. En zo, ik moet wel aangeven dat mensen soms, omdat ze horen dat het niet erg is om fouten te maken, dat ze bewust fouten maken.
dat is dan niet een levensles, maar dat is een gedragsprobleem dat gecorrigeerd moet worden. Dus dat doe ik. Ik doe ook business coaching en dat is dan het aspect geld relateren met het spirituele. Want geld is eigenlijk prosperity, het is abundance, het is positieve overvloed. Maar men ziet geld dan meestal als materie en het wordt niet gerelateerd aan de energie. Pas wanneer mensen die geld kunnen aantrekken zijn gerelateerd of zijn in synchroniciteit met geldenergie, het positieve overvloed. En positieve overvloed, ik zeg ook positieve, omdat er mensen soms ook cliënten komen en dan hebben ze, overvloed is gewoon te veel aan iets. Soms komen ze met een overvloed aan problemen. Zij noemen het problemen. Ik noem het een uitdaging, een challenge. Is de kijk hoe wij op iets hebben. De ene zegt is een 6, de andere zegt is een 9. Op zich niet echt het probleem, maar het stukje probleem en challenge. Probleem voelt zwaarder aan, challenge voelt lichter aan. Ja, klopt. Dus dat is het. Ik doe ook relatiehealingen. Relatie met het zelf ook, maar relatie ook met het andere. Relatie in werkvlak, relatie op liefdesvlak, huiselijke, interpersoonlijke relaties. Dat doe ik ook. Okay, trauma healing doe ik ook. Voordat ik de vraag vergeet, ja. Wat heeft u eerst gedaan? Wat bent u kunstenaar van huis uit? Of is het, heeft u dat gaandeweg geleerd? Of bent u eerst begonnen met life coaching en dan? Ik denk dat ik die geboren kunstenares was, want ik heb als kind niet echt veel gespeeld en dat soort dingen. Voor mij was tekenen altijd het allermooiste en het leukste. Ik kon, dus je doet het echt vanaf kleins af? Ja, ik kon gewoon urenlang ik kon urenlang als het ware erin gaan zwemmen. Ik zal niet zeggen zinken, maar zwemmen. Het was zo leuk. Ja, en wat voor kunstwerkjes doet u het liefst? Tegenwoordig, ik heb eerder wel veel meer gedaan, maar tegenwoordig is het meer schilderen. Omdat, dan geef ik ook wel aan waarom ik dat meer doe. Ja. Ik kan bijvoorbeeld overal met mijn penselen en verfkwasten en alles. Mijn penselen, verfkwasten en verfschouwen. En ik maak dan daarom ook niet al te grote paintings. Maar ik doe het soms wel. Dus ja, het is niet dat ik het helemaal niet doe. Maar het kleinste wat makkelijk is te sjouwen en te brengen van plaats naar plaats, dat gebruik ik eigenlijk meer. Oké. Maar qua thema, heeft u een speciale thema? Zegt van ik heb het liefst dat ik alleen maar natuur. Ik ben niet iemand die speciaal natuur doet. Ik heb meer surrealistische schilderijen en ik ga gewoon 100% op mijn gevoel af en intuïtieve ingevingen dat ik uit meditaties download. Oké, dat is nice. Waar heeft u dat van de life coaching geleerd? In Suriname zelf? Nee, life coaching heb ik niet in Suriname geleerd. Mm-hmm. Kijk, alles heeft, we hebben allemaal ups en downs. Ik ben mijn downs anders gaan gebruiken. Ik moest bijvoorbeeld weten waarom iets op een bepaalde manier is gegaan in mijn persoonlijk leven. En ik ben dan, je zou zeggen van, ik ben gaan onderzoeken. En iemand zei me ooit, dat was mijn grootmoeder, moederskan, van God maakt alles goed. Dus in plaats van binnen in mij te zoeken, ben ik overal buiten gaan zoeken waar God was. Ik heb heel veel healings modalities gedaan. Verschillende pranic healing, reiki. Ik was 10 jaar toen ik begon met kinderklas meditatie. Heel jong. En ik wist heel jong al, ik heb een doel en daar wil ik naartoe. En ik was wel sterk genoeg als kind ook en nu ook als een vrouw, van dat ik me niet liet afleiden en misleiden door dingen die niet betrekking hadden met mijn doel. Ja. Want uiteindelijk ging ik altijd voor een lange investering.
En dan maakt het een duurzame investering. Dus dan maakt het eigenlijk niet uit van hoeveel tijd het nam. Maar stapvoets werkte ik wel elke dag aan mijn doel. De manifestatie daarvan was wel belangrijk, maar het maakte voor mij niet uit in hoeveel tijd dat uitkwam. Ja, ja, ja. En u gaf aan dat u ook boeken heeft geschreven. Hoeveel heeft u? Ja, ik ben nu bezig met me. Oké, ik ben nu bezig simultaan met 3 boeken. Oh, oké. Okay. En 2 boeken heb ik eerder geschreven. De eerste is Life Partner Chosen by the Universe. En dat was in oktober 2018. En daarna heb ik in februari 2019 Fierce Love. Omdat ik toen ook ontdekte dat mensen heel erg, ja, niet generaliserend mensen, maar er zijn toch heel wat mensen die bang zijn voor liefde. Ja. Want soms als die liefde echt diep is, dan voelt het bijna alsof je in een zwarte kuil valt en je hebt geen controle meer. Ja. Dus dat is, dan praat ik over echt diepe liefde, niet die crush. Die voor 2 weken leuk is en daarna niet meer. Ja, ja. Toch? Dan praat ik echt over die hele diepe liefde. En mijn derde boek, dat is waarmee ik nu bezig ben, derde, vierde, vijfde. De derde is mijn autobiografie, Code 111. Okay. En daarin heb ik dan, schrijf ik eigenlijk alles wat ik meegemaakt heb, de lessen en mijn methode van aanpak, de plan van aanpak. Maar uiteindelijk gaat het voor mij erom van ik moet een win-win situatie hebben als ik iets doe. Het moet mij dienen, maar het moet de mensheid ook wel dienen. En dan gaat het exact niet alleen om het geld, maar het gaat om positiviteit moet ik ontvangen. Ik wil wel geld ontvangen, dat is leuk voor iedereen, maar ik wil ook de gratitude ervan ontvangen en de dankbaarheid naar mezelf hebben dat ik mijn skills en talenten goed heb gebruikt. Ja, ja, ja. Voor de tijd dat ik hier op aarde ben, dat ik alle skills en talenten van me goed heb gebruikt. Mm-hmm. Ten behoeve van mezelf en van de anderen. Dus aan de vierde, dat is de Cave of Happiness. Iedereen zoekt naar happiness, maar God waar, het is binnen. Dus de balans brengen tussen happiness binnen, de binnenste en het buitenste. Dat geef ik dan daarin aan. Mijn vijfde boek, de Kamaki. Zoals het eerder ook zei, het is een spannend boek. Kortom, iedereen weet wat seks is, maar als het gaat om de diepe bedoeling ervan, dan is niet iedereen bewust. En mijn doel is ermee om bewustheid te brengen. Hoe je seksuele energie eigenlijk goed kan gebruiken. Ja. Om niet alleen te genieten van het seksuele, maar ook goede en geweldige grote dingen te kunnen manifesteren. Want seksenergie is creatieve energie. Als we zouden kijken naar de eerste doel, waarom hebben we seks? We hebben seks omdat we eigenlijk kinderen zouden moeten baren. Dat is wat men normaal denkt. Wat het zou moeten zijn en wat men denkt. Maar dus creatieve energie, je creëert iets. Maar je kan diezelfde energie transformeren naar hogere frequenties. En dan kan je ook andere dingen ermee doen. Spannend. Wanneer zijn de boeken rond? Ja, ik geef geen deadline ervoor of ik heb niet een speciale dingen ervoor van wanneer het rond is. Omdat ik, het gaat eigenlijk erom dat ik downloads krijg en meditatieve downloads en dat zet ik dan in mijn boeken. Ah, okay. Ik laat mij leiden door een hogere energie. Dus dan schrijf ik dat. Ja, ja. Nou, heel interessante onderwerpen. Eigenlijk te veel om in één gesprek te voeren, om precies het zo te noemen. Ja. Maar mijn laatste vraag voordat ik afsluit. Uw achternaam, wat is de betekenis daarvan? Oké, mijn achternaam Chennai, dat betekent dichter in het Sanskriet. En het doet niets met
gedichten? Ik doe wel iets met gedichten. Ik heb mooie gedichten geschreven. Dat kunt u in Code 111 zien, terugvinden. Heel mooie gedichten, heel persoonlijke. Maar ook dingen die dat stukje bewustzijn bij de mensen verder ontwikkelen. Ja, ja. Dus dat stukje van consciousness, awareness, dat kan het naar een hogere level brengen. Ja. En als men u wil benaderen voor een consult? Oké, mijn consulten zijn meestal telefonisch, via internet, maar ik ontmoet mensen ook wel in persoon, als dat echt moet. Ja. Want ik werk niet alleen met Surinamers, ik werk ook met mensen uit het buitenland. De grootste kansen die ik eigenlijk heb gehad waren buitenlanders die me ontdekt hadden. Maar je bent wel Surinamer? Ja, ik ben wel Surinamer. Dus dat is wel ik ben echt die Jaja Uma Suriname. Dus ja, buitenlandse mensen hebben me eigenlijk eerder ontdekt. Ik zeg niet dat ik daarom minder van Suriname hou, hoor. Ik hou nog steeds van Suriname. Maar dus men kan gewoon via Facebook? Men kan me via telefoon, dat is 872-6121. Mm-hmm. Kunnen ze me appen, ze kunnen me bellen. Niet te alle tijden bellen mensen. Het is tussen 9 en 5 uur 's middags. Dus 9 uur 's morgens, 5 uur 's middags, voor de duidelijkheid. Als u in een ander land woont, houdt u rekening met de tijd van Paramaribo. Zoekt u op internet. Want daar geven ze dan eigenlijk ook aan, hè, hoe laat het in Paramaribo is. En het liefst word ik gemaild. Geen lange verhalen vertellen, in het kort 4 tot 5 regels vertellen wat de probleemstelling is of een doel dat men wil bereiken. En dan scan ik. Ik heb geen apparaat hoor, het is een spirituele scan dat ik doe. Ik scan en dan kijk ik wat de energieën zijn, hoe de energieën zijn. En de healing is dan eigenlijk een frequentie change van de veranderen van de energieën. Okay. Dus stel, we hebben een bank hier, dit is frequentie 5. En er is een stoel daar, dat is frequentie 6 of 4. En we willen die bank transformeren naar 5, naar die stoel. Ja. Dan gaan we in die bank, of dat doe ik, in die bank de frequentie zetten van die stoel. Zodat dit dan transformeert. Zoals we weten, alles gebeurt eerst op een energieniveau. Mm-hmm. Je denkt iets, je plant en dan komt het in manifesteren. Ja. Ja. Wanneer je eraan werkt. Klopt. Het is niet alleen denken hoor, mensen, dat niet. Maar het is eerst het energetische en dan de materie. Ja. En zo is het dan ook bij de healing. De mindset wordt veranderd, de mind control. En daarna gaat men manifesteren. Allemaal spannend. Ik begin gewoon verder te denken. Maar ik zou willen zeggen, mevrouw Yogita, heel veel succes. Heel veel succes. Ik denk dat ik nog van u gaan horen wanneer u zo ver bent met uw boek of boeken. Ja. En eventueel met uw beurs. Ik wil nog even wat aangeven. Ja, mijn boek 1 en 2, mm-hmm, dat heb ik via een Hollandse uitgeverij gedaan, Lecturium. Ja. Ik had het niet in Suriname officieel kunnen doen. Dus dat hebben we hier niet te vinden. Dus ik verkoop het wel als men het echt wil. En het is ook in het Engels. Omdat ik zoveel mogelijk publiek wilde bereiken in één keer. Maar als men het echt in het Nederlands wil, maar dan moet men het echt willen. Ik ga het niet zomaar zitten vertalen. Men moet het echt willen, dan ben ik bereid om het te vertalen. Oké, dus dat mag men dus persoonlijk ook. En dan kan men het bij mij kopen, omdat men dan een pakketje erbij krijgt. Als ze iets niet begrijpen, mogen ze me contacten. En dan als er eventueel een kleine consultatie erbij hoort, dan doe ik dat. Ja. Een kleine meditatie erbij hoort, dan doe ik dat. Soms hebben mensen ook wel past life dingen en dan breng ik ze even terug om te kijken wat de situatie toen was en waarom ze dan een bepaalde uitdaging hebben, een bepaalde challenge hebben. Ja, ik snap het helemaal.
Nou, genoeg reden dat met u contact, moet ik zeggen. Ik zou zeggen heel veel succes en hoop u gauw weer te zien voor een van uw activiteiten. Dank u wel. Van 90 personen die getest zijn op het COVID-19-virus, zijn maandag 8 positief bevonden. 4 van de geïnfecteerden wonen in Paramaribo, 3 in Wanica en 1 in Para. Helaas is wederom 1 persoon komen te overlijden. Vandaag zijn 28 personen genezen verklaard, terwijl 6 personen momenteel worden behandeld op de intensive care units. In de ziekenhuizen zijn 48 patiënten opgenomen. 68 mensen die geïnfecteerd zijn met het virus, zijn in isolatie. Sinds de uitbraak van het COVID-19-virus in Suriname zijn 8242 personen genezen verklaard, terwijl 167 personen het leven hebben gelaten. Maandagmorgen hebben verschillende personen een stil protest gehouden aan de Monseigneur Wulfingstraat om aandacht te vragen voor seksueel misbruik van jonge vrouwen in de sport. De boodschap is duidelijk. Stop elke vorm van seksueel molest. Het protest werd georganiseerd omdat de zaak van een voetbaltrainer van Robin Hood, die verdacht wordt zijn 14-jarige vrouwelijke pupil te hebben misbruikt, voorging bij de strafrechter. Met de protestborden werden tegelijkertijd ook opgeroepen om sporten ook veilig te maken voor alle kinderen. Carla Bakboord, die zich sterk maakt voor gender-based violence en gisteren tot de protesterende groep behoorde, was behoorlijk ontdaan om te vernemen dat in deze zaak de officier nog met een strafvoorstel moet komen. Daarna volgt pleidooi van de advocaten van de trainer en repliek tijdens het OM en dupliek tijdens de verdediging. Het is te voorzien dat de zaak nog enige tijd op de zitting zal blijven lopen. Het Directoraat Nationale Veiligheid, DNV, krijgt vanaf vandaag een interim managementteam. Met dit besluit is de luitenant-kolonel Danielle Veira, die sedert 30 september 2016 de scepter zwaait, ontheven uit haar functie en per gelijke datum ter beschikking gesteld van het bevoegd gezag. Bij de ontheffing is overste Veira door president Chandrika Prasad Santokhi bedankt voor haar niet onopgemerkte bijdrage aan de ontwikkeling van de staat Suriname. Luitenant-kolonel Veira geeft in reactie op dit besluit aan dat het een prerogatief is van de president te bepalen wie geplaatst wordt in politieke gevoelige posities en hoe invulling gegeven moet worden aan de doelstellingen die het staatshoofd en de regering hebben vastgesteld. Op woensdag 17 februari vindt de overdracht plaats. De majoors, Eria Wameni en Gerard Kalka, vormen het IMT-DNV. NDP-fractievoorzitter Rabin Parmisser geeft deze vraag tegenover Dagblad Suriname te kennen dat parlementariër Ashwin Adin, voormalig vicepresident van Suriname, zijn werk normaal voorzet. Volgens Parmisser zal Adin spoedig weer bij de openbare vergaderingen te zien zijn. Hij was een tijdje ziek. Hij participeert in fractieverband. Hij is nooit rustig geweest, stelt Parmisser. Adin is sinds zijn in staat van beschuldigingstelling niet meer gezien bij de vergaderingen in landsvergaderzaal. Opmerkelijk genoeg heeft hij de laatste brief, gericht aan assembleevoorzitter Marinus B., wel getekend. Adin verschijnt ook niet op social media, waar hij eerder erg actief was. Parlementsvoorzitter Marinus B. wil deze vraag niet reageren op de ontwikkelingen rond Adin. Het is voor mij pijnlijk dat een collega in zo'n situatie is. Ik laat het over aan het Openbaar Ministerie. Er moet geen politieke inmenging zijn, aldus B. Er is nog steeds geen schot in de zaak voor wat betreft de tariefsaanpassing voor de particuliere bushouders. Rawin Bainat van de PLO zegt aan Dagblad Suriname dat PLO vorige week wederom een schrijven heeft gericht aan de TCT-minister Albert Jubitana omtrent de achterhaalde bustarieven. Desalniettemin is een antwoord vanuit de minister uitgebleven. Bainat, die zelf ook bushouder is op het PL-traject, geeft aan dat passagiers momenteel 6,50 SRD betalen,
terwijl op deze route een rit tussen de 10 en 12 SAD behoort te zijn. Per 21 september 2020 is er particulier busvervoer opengesteld, echter tegen zeer ongunstige voorwaarden. Kanker is nog steeds een taboe in de gemeenschap, benadrukt een arts. Terwijl patiënten met andere gezondheidsproblemen, zoals epilepsie en diabetes, in verenigingen zijn vertegenwoordigd, blijkt dat er nog geen vereniging voor kankerpatiënten is. Ook de nierdialysepatiënten hebben een vereniging. Door het ontbreken van een vereniging voor kankerpatiënten komen mensen minder snel op voor de belangen van deze doelgroep. Er wordt gewezen op het verschil met organisaties die reeds bestaan, omdat deze allemaal stichtingen zijn. Volgens de arts hebben stichtingen andere doelstellingen en zijn gebaseerd op een ander uitgangspunt. De stem van deze doelgroep wordt daardoor nauwelijks gehoord. Als sommige patiënten de bedragen horen die ze moeten betalen, is bij sommigen de reactie dat zij dan liever gaan sparen voor hun uitvaart. Door het taboe leven mensen nog steeds in de verkeerde veronderstelling dat de ziekte niet te genezen is. De vertegenwoordigers van de Inter-American Development Bank, Antonio Gonsalves, en de Chief of Operations, Mariko Russell, hebben een beleefdheidsbezoek gebracht aan minister Reshma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken. Beide partijen hebben voorstellen gedaan om samen projecten uit te voeren ten behoeve van de arbeidsmarkt en de jeugd. Hierbij zal een project worden uitgewerkt waarbij 1000 Surinamers, met name ook jongeren en werkzoekenden, gericht getraind worden voor de arbeidsmarkt. Het gaat hier om beroepen die specifieke technische kennis vereist en waarin het lokaal aanbod op de Surinaamse arbeidsmarkt tekortschiet. Op basis van een analyse van de vereisten van de open arbeidsplaatsen in de private sector zullen personen geïdentificeerd en getraind worden. Het Nanny Kids Care Instituut, NKC, biedt onderwijs aan kinderen met een speciale hulpvraag. Het instituut vraagt zich af hoe het zit met de doorstroming van deze leerlingen, nu door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is aangegeven dat de doorstroming van kinderen van de 6e klas uit het regulier onderwijs gemakkelijk zal zijn naar het MULO. De vraag is of het speciaal voorgezet onderwijs blijft bestaan. Omdat de minister heeft aangegeven dat alle kinderen van de 6e klas automatisch doorstromen en de LBO-scholen worden afgeschaft. Hoe staat het met de kinderen in het speciaal onderwijs? Stelt directeur Nancy Natuni namens NKC. Natuni zegt heel veel kinderen op het niveau van ZMLK en MLK te hebben. De zeer moeilijk lerende kinderen en de moeilijk lerende kinderen kunnen het MULO vaak niet halen en gaan naar het voorgezet speciaal onderwijs. De Broedersstichting Saranaburu en Buru Kong Makandra in Nederland hebben het Nationaal Archief Suriname twee authentieke brieven met betrekking tot de kolonisatie van Hollandse boeren in Suriname in bewaring gegeven. Het NAS voert ook het beheer van de waardevolle historische documenten. Via de kanalen zullen de stukken nationaal en grensoverschrijdend toegankelijk worden gemaakt voor geïnteresseerden. De overhandiging vond plaats in de vergaderzaal van het NAS. Het betreft de correspondentie tussen de dominees J.H. Betting in Suriname en A. van den Brandhof in Nederland. De heren waren betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van de kolonisatie van Hollandse boeren naar Suriname. De historische brieven werden in 1844 en 1848 geschreven en geven een beeld over de benaderde omstandigheden waardoor de kolonisatie plaatsvond. De afdeling radiotherapie is de afgelopen 3 jaren vanuit het ministerie van Volksgezondheid nog niet uitbetaald. De procedure is dat de patiënt wordt behandeld en geen kosten betaald voor radiotherapie. De kosten voor radiotherapie worden betaald door het ministerie van Volksgezondheid. De verzekeringsmaatschappijen vergoeden de kosten voor radiotherapie niet, laat een arts weten. De situatie is door COVID-19 verergerd, omdat de financiële middelen grotendeels daarvoor bestemd zijn. Onze onderhoudscontracten van 2019 tot 2020 zijn nog steeds niet betaald. Verder wordt aangegeven dat het medicijnenprobleem nog steeds actueel is.